नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। कुंभ राशि 16 और 17 जनवरी 2020 का राशिफल लेकर मैं उपस्थित हूँ। यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रमा की स्थिति को पहले जानेंगे, उसके बाद जानेंगे राशिफल और फिर जानेंगे कुछ उपाय। और आज से मैं कुछ नया जोड़ रहा हूं, वो है इन दो दिनों में क्या हाइलाइट्स होंगे, क्या कुछ जो है वो जरूर आपके साथ घटित होगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं चैनल के साथ। तो चंद्रमा की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो आज चंद्रमा जो है आपके नवम भाव में होंगे, तुला राशि में, भाग्य स्थान में। अच्छा भाव है तो कहीं ना कहीं अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। भाग्य कभी कभी मौका देता है कि आप अपने हाथों से अपनी किस्मत को लिखें। यह दो दिन आपके पास ऐसे हैं जब आप अपने हाथ से अपनी किस्मत को लिख सकते हैं या लिख सकती हैं। गरीब अमीरी की तरफ बढ़ सकता है, अमीर और ऊपर जा सकता है, बुद्धिमान महाबुद्धिमान बन सकता है। यानी कि ये दो दिन ऐसे हैं जब आप अपनी मेहनत, अपने प्रयास, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव, सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इन्हीं को मौके, इन्हीं को अवसर कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये दो दिन कुंभ राशि वालों के लिए अच्छे हैं। आपकी मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होने वाला है। आप महत्वाकांक्षी होंगे और साथ ही साथ दूरदर्शी होंगे, यानी आगे बढ़ने की चाहत तो आपके अंदर होगी ही होगी, बाकी आप दूरदर्शी होंगे, यानी कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, इस सब का पता होगा। आदर्शवादी होंगे, विद्वान लोगों का आदर सम्मान करने वाले होंगे, यानी कि जिनसे आपको सीखना है, जो आपकी तरक्की में सहायक हैं, उनकी उंगली पकड़कर आप आगे बढ़ेंगे, उनका आदर सम्मान भी करेंगे। ईश्वर में आपका विश्वास होगा, धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे, आप अपनी मेहनत से धन कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे, सम्मान कमाएंगे। और इन दो दिनों में आपके बच्चों की पढ़ाई या आप स्वयं बच्चे हैं तो वो भी बड़ी शानदार रहेगी। भाई बहन का प्यार होगा, एक दूसरे के साथ अच्छा बोलचाल होगी, घर में सुख शांति होगी, आप बुद्धिमानी से सभी को अपना कायल कर लेंगे, आप हाजिर जवाब होंगे, आपके पास हर प्रश्न का उत्तर होगा। महिलाओं के प्रति पुरुषों की आसक्ति हो सकती है, महिलाओं के पीछे पीछे पुरुष घूम सकते हैं। कई बार इसको प्रेम कहा जाता है, कई बार इसको वाचलता कही जाती है, यानी कि बेवजह किसी के पीछे घूमना, चक्कर लगाना, किसी को परेशान करना या वासना में लिप्त हो जाना। थोड़ा सा संभल के रहिएगा, अपने चरित्र को बचाते हुए चलिएगा, कहीं उस पर कोई दाग ना लग जाए। तो पुरुषों को मैं ये कहूँगा कि महिलाओं से सम्मान से, इज्जत से पेश आए तो बढ़िया रहेगा। स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों का साथ आपका दिन बना देगा और स्त्रियों के साथ आपका गलत व्यवहार आपका समय बिगाड़ भी देगा। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। आप कोशिश करेंगे तो जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपकी नौकरी व्यापार में अच्छी सफलता मिलने के योग है। नौकरी व्यापार में सीनियर का सपोर्ट, सहकर्मियों का सपोर्ट, अन्य लोगों का सपोर्ट और भाग्य का सपोर्ट और मेहनत का भी साथ आपको मिलेगा। कई बार आप मेहनत करते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं होगा, मेहनत का फल मिलेगा। आप किसी भी परिस्थिति से डरेंगे नहीं, चुनौती कितनी भी बड़ी हो आप लड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। विवाह हो गया है तो जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने वाले हैं, अच्छे मौके मिलेंगे घूमने के, फिरने के, या फिर वैसे ही कुछ पल ऐसे मिलेंगे
जब आप अपने दिल की कहेंगे, उनके दिल की सुनेंगे और प्यार में खो जाएंगे। आपको कोई थोड़ी सी भी तारीफ कर देगा, आपकी कोई थोड़ी सी भी तारीफ कर देगा, तो आप सातवें आसमान पर जा सकते हैं और इसका फायदा सामने वाला उठा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, झूठी तारीफों से बचना है। प्रेम संबंधों में है तो प्रेम आज आप अपने साथी से दिल की गहराइयों से करेंगे। कुछ गलतियां की थी, किसी को हर्ट किया था, तो माफी भी मांग लेंगे और सामने से भी बढ़िया रिस्पांस मिलेगा। प्यार का इजहार करना है तो बड़े शायराना अंदाज में आप करने वाले हैं। आज आप कुछ कविता या कुछ पंक्तियां या कोई बढ़िया रोमांटिक गाना सुनाकर अपने साथी को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये आज आप शायराना अंदाज में होंगे, फिल्मी अंदाज में होंगे, यानी रोमांटिक तो होने वाले ही हैं और साथ साथ जीवन साथी या प्रेमी के साथ सैर सपाटा भी होने वाला है। कुल मिलाकर यह दोनों दिन आपको फायदा देने वाले हैं। बच्चों की मेहनत का फल मिलने वाला है। जो बच्चे प्रयास कर रहे थे नौकरी के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए या किसी अन्य प्रकार के प्रयास कर रहे थे आपके बच्चे, उन सब में आपको एक अच्छे परिणाम मिलेंगे। घरेलू कामकाजी महिलाएं भी कुछ नए अंदाज में दिखने वाली हैं, कुछ बदलाव के साथ वो आने वाली हैं, कुछ चेंज ऐसा करेंगी अपने लाइफस्टाइल में या अपने घर में, या कुछ ना कुछ ऐसा वो करेंगी जो बदलाव उनको सूट करेगा और इस बदलाव को देखकर अन्य लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वह आपके अंदर भी ये प्रतिभा थी और आपने अभी तक यूज नहीं करी। तो यानी आप जो करेंगी उसको सम्मान मिलेगा। जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बेहतर है, अन्य ग्रहों की स्थिति बेहतर है। तो जितना कुछ मैं बताता जा रहा हूं ये सब कुछ आपके जीवन में घटित होगा, ऐसी पूर्ण संभावनाएं बनती हैं। जो भी लोग मीडिया से, कैमरे से जुड़कर या लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं या धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिषी हैं या धर्म प्रचारक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर इंश्योरेंस एजेंट हैं, या जहाँ पर लोगों से खूब मिलना जुलना होता है, जहाँ पर खूब सारे काम होते हैं, यहाँ पर खूब दौड़ भाग होती है, यात्राएं होती हैं छोटी बड़ी, उन सब का दिन आज चमकने वाला है। पब्लिक डीलिंग जहाँ पर भी होती है वहाँ पर आज सबको लाभ होने वाला है। छोटी बड़ी यात्रा के योग के साथ शानदार दो दिनों का आनंद लें और बढ़िया दिन है। इन दो दिनों में क्या खास होने वाला है ये हमने नया जोड़ा है आज से। हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो क्या खास होने वाला है वो जान लीजिए। हाइलाइट्स, ब्रेकिंग न्यूज जिसको बोलते हैं, आप खूब रोमांटिक होंगे, धन लाभ होगा, प्रमोशन हो सकती है, संतान के कारण आपको सुख मिलेगा। घरेलू महिलाएं खुद में कुछ परिवर्तन करके कुछ नया इजाद करेंगी जो सभी को पसंद आएगा। कामकाजी महिलाओं का समय शानदार रहेगा। आप शौकीन मिजाज होंगे, मेहनत का फल मिलेगा। जब दिल खुश हो तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, यानी खुशनुमा माहौल होगा। सेहत पर थोड़ा ध्यान देना होगा, परिवार के लोगों का सपोर्ट होगा, आसपास पड़ोस सब जगह पर आपकी अच्छी निभने वाली है। एक शर्त पर, चंद्रमा की स्थिति और अन्य ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बेहतर होनी चाहिए और जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं उनका भी आपको पालन करना चाहिए, गलतियों से बचना होगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये राशिफल पढ़कर, ये राशिफल उनको सुनाकर मुझे बड़ा आनंद आया, आपको भी आनंद आया इन दो दिनों में। भगवान शिव की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए, आनंद ही आनंद आ जाएगा। और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और हम और आप रोज मिलते रहेंगे। और आपके जीवन में समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफ है
तो ज्योतिष के माध्यम से उसका हल निकाला जा सकता है। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और जानें कब आपके दुखों का अंत होने वाला है। हरिओम, नमस्कार।